الرحيم. السلام عليكم. मैं राधा मेहताब आलम और आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ सीखे हुए। आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अडोब फोटोशॉप के अंदर हम फोटो कैसे लिखें। देखिए, अगर आप लोग अडोब फोटोशॉप के अंदर वैसे उर्दू लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, मैंने टी वाले टेक्स्ट आइकन के ऊपर क्लिक करके ये आप लोग देख रहे हैं। जब लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे उर्दू लिखने के लिए, आप लोगों को पता है कि हम उर्दू के अंदर ये देखिए, जब मैं उर्दू यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि मैंने राणा लिखना है तो मैंने रे दबाया, आर रा ना, ठीक है। और महताब लिखना है आगे तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने महताब और आलम। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया, यानी ये देखिए राणा कुछ यू बना हुआ है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बना हुआ है राणा। और महताब को आप देखें कि ये यू चला गया महताब, और यहाँ पे आलम आप देखेंगे तो आलम कुछ यू हो गया है। अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चेंज की जाएगी, किस तरह से सेटिंग की जाएगी, कहाँ पे तब्दील की जाएगी, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप किस तरीके से आप ये उर्दू लिख पाएंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास ये उर्दू नहीं लिखा जा रहा है तो फिर आपने इस उर्दू को लेके कैसे आना है और टाइप कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, कि उर्दू किस तरह से टाइप होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने जो वर्जन आप लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने अपनी सेटिंग होती है उर्दू को लाने की। कहीं पे आप डायरेक्ट उर्दू भी टाइप कर सकते हैं और कहीं पे आप इम्पोर्ट कर लेते हैं, वो सारे तरीके जो है वो आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम लोग डायरेक्ट उर्दू टाइप कर सकते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपने यहाँ पे अडोब फोटोशॉप सीसी मैं यूज कर रहा हूँ, आप इसके एडिट के अंदर आना है और आपने आ जाना है प्रेफरेंसेस के ऊपर। प्रेफरेंसेस के ऊपर आने के बाद आप लोग यहाँ पे टाइप के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ टाइप के ऊपर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको है ये मिल रहा है आपको चूज टेक्स्ट इंजन ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन के ऊपर, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देंगे और बस आप लोगों ने यहाँ पे ओके कर देना है। और इसके बाद आपने इस प्रोग्राम को एक दफा आपने प्रोग्राम को ऑफ कर देना है, यानी आपने इसको शट डाउन कर देना है इस सॉफ्टवेयर को, ये जो आप यूज कर रहे हैं आप इसको एक दफा बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको क्लोज करने के बाद जब हम दोबारा इसको एक्टिवेट करेंगे आपके सामने, अब हमने यहाँ पे नई फाइल दोबारा ओपन कर रहे थे, और अब देखें मैं यहाँ पे अब टेक्स्ट को टाइप करता हूँ यहाँ पे, जिससे उर्दू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि अब उर्दू ठीक लिखी जा रही है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आपको आ रही है इसके अंदर, देखिए मैंने लिखा राणा महताब आलम तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है इसके अंदर, तो इसको कैसे हम दूर करेंगे, असल में हम यहाँ पे अपना फॉन्ट जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, आप जो भी फॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये आप देख लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली फॉन्ट यहाँ पे देखें मैंने तब्दील किया है फॉन्ट, ये देखें ये सही हो गया टेक्स्ट। और अगर आप लोग सही उर्दू लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास जो फॉन्ट का नाम है वो है जमील, ये आप देख सकते हैं जमील नूरी नस्तालिक, और ये कशीदा, ये यूनिकोड, और ये कशीदा, उसके बाद रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के आपको यहाँ पे फॉन्ट्स मिलते हैं,
आप इनको चूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मैंने आपके अडोब फोटोशॉप के अंदर डायरेक्ट आपको उर्दू लिख के दिखा दी है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम अडोब फोटोशॉप सीसी के अंदर डायरेक्ट उर्दू को टाइप कर सकते हैं। और जो वीडियो भी आप क्लास करना चाहते हैं उसके साथ आप बाद में लिखिएगा लूनर कंप्यूटर कॉलेज को भी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस पर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।